योगी कैबिनेट में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में न्यूनतम मजदूरी 185 रुपए करने की मंजूरी भी मिली। इसके साथ ही बुंदेलखंड में पेयजल योजना को मंजूरी मिली। बुंदेलखंड के 9 इलाकों में पेयजल योजना शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें बड़ी बात यह है कि अब न्यूनतम मजदूरी जो है 185 रुपए होगी। पहले के मुकाबले ही अब ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पेयजल योजनाओं की शुरुआत की जाएगी बुंदेलखंड में, इसको भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। दरअसल पेयजल की भारी दिक्कत बुंदेलखंड में। देखिए, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। जिन जिन लोगों ने बवाल काटा है उन सबको चिन्हित किया जा रहा है और सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि षड्यंत्र के तहत लखनऊ को, प्रदेश को जलाने का काम उपद्रवियों द्वारा किया गया था और उसके पीछे जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। इसमें दो नगर निगम हैं जिनके सीमा विस्तार का प्रस्ताव है, ये तीन है टोटल। एक है नगर निगम की सीमा का विस्तार है और उसी क्रम में 5 हमारी नगर पालिका परिषद हैं, उनका सीमा का विस्तार है और उसी तरह से 9 नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव है।